की ये गुलशिता हमारा। तो हमने देखा इस शोभा यात्रा के माध्यम से किस तरह से सभी कलाकार उत्साह के संग नजर आ रहे थे, और अब हम छत्तीसगढ़ शासन के वर्ष 2020 जो चंद दिनों बाद हमारे नजदीक है उसके कैलेंडर का लोकार्पण करने जा रहे हैं। हम सम्माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय राहुल गांधी जी से निवेदन करते हैं कि वे छत्तीसगढ़ शासन के 2020 के कैलेंडर का लोकार्पण करें। गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ हमारे राज्य की इस थीम के साथ इस कैलेंडर को तैयार किया गया है, जिसमें प्रदर्शित राज्य गीत के विभिन्न शब्दों के साथ में तालमेल करते हुए इस कैलेंडर को तैयार किया गया है। हमारी लोक संस्कृति के साथ विकास को दर्शाता ये कैलेंडर। जी, राज्य गीत की पंक्तियों को कैलेंडर के अलग अलग पन्नों पर चित्रित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय अतिथि। इस नए कैलेंडर के साथ आइए हम सब स्वागत करें आने वाले वर्ष 2020 का, इस कामना के साथ कि आने वाले वर्ष 2020 में हमारा राज्य हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आगाज है नए वर्ष का, ये आगाज है नवा छत्तीसगढ़ के नए सपनों का, नई कल्पनाओं का और नई उमंगों और उल्लासों का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। और अब हम पूरे सम्मान और जोरदार तालियों की आवाज के साथ आमंत्रित करते हैं हमारे आज के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री राहुल गांधी जी को आपके उद्बोधन के लिए। माननीय श्री राहुल गांधी जी। भूपेश बघेल जी, पीएल पुनिया जी, मोहन मरकम जी, टीएस सिंहदेव जी, श्रीमती मीरा कुमार जी, चरणदास महंत जी, सामराज साहू जी, अमरजीत भगत जी, शिव दहलिया जी, बीके हरिप्रसाद जी, कांतिलाल भूरिया जी, भक्तचरण दास जी, चंदन यादव जी, यूएन की रिप्रेजेंटेटिव, भाइयों और बहनों, कलाकारों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ दिन पहले बघेल जी ने मुझे कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का महोत्सव डांस और म्यूजिक का फेस्टिवल किया जा रहा है, और उन्होंने मुझसे पूछा अगर मैं आऊंगा। सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर आदिवासियों की बात होती है तो मैं दो मिनट में शामिल हो जाता हूं, आ जाता। आज हम आपकी आपके नाच गाने को देखेंगे, सुनेंगे, और आपकी जो हिस्ट्री है, आपका जो इतिहास है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा समझने को मिलेगा। मगर मैं ये नहीं चाहता हूं कि सिर्फ आज हम आपकी आवाज सुनें, आपके नाच को देखें। मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार में, छत्तीसगढ़ को चलाने में आपकी आवाज सुनाई दे,
और आपके जो विचार हैं वो शामिल किए जाएं। दूर दूर से आदिवासी भाई बहन आए हैं, युगांडा से, हिंदुस्तान के अलग 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 प्रदेशों से, बाकी देशों से आए हैं, और ये बहुत अच्छा कदम है, पहला कदम है मगर बहुत अच्छा कदम है, और इसे हमें और तेजी से और मजबूती से आगे ले जाना है। आदिवासियों के सामने देश में बहुत समस्याएं हैं। खुशी से मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आवाज सरकार में सुनाई दे रही है। तेंदू पत्ते की बात हो, आपको जमीन वापस देने की बात हो, मैल न्यूट्रिशन पर एक्शन लेने की बात हो, छत्तीसगढ़ की सरकार आपके साथ मिलकर काम कर रही है। और चीफ मिनिस्टर ने कहा, जो पहले यहां हिंसा हुआ करती थी उसमें कमी आई। कमी क्यों आई? क्योंकि ये सरकार लोगों की आवाज सुनती है, और विधानसभा में सबकी आवाज, एक व्यक्ति की आवाज नहीं, सबकी आवाज सुनाई देती है। देश की हालत आप जानते हैं, बाकी प्रदेशों में क्या हो रहा है आप सबको मालूम है, किसानों की समस्या, आत्महत्या, अर्थव्यवस्था की हालत, बेरोजगारी, ये आप जानते हो, दोहराने की जरूरत नहीं। मगर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, बिना सबको लिए हर धर्म को, हर जात को, आदिवासी, दलित, पिछड़ों को लेकर लिए बिना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं चलाई जा सकती है। सीधी बात, आप जो करना चाहते हो करो, मगर जब तक आप इस देश को जोड़ोगे नहीं, जब तक इस देश के सब लोगों की आवाज विधानसभाओं में, लोकसभा में नहीं सुनाई देगी, तब तक ना बेरोजगारी के बारे में कुछ किया जा सकता है, ना अर्थव्यवस्था के बारे में किया जा सकता है, कितना भी दबाव लगा। हमारा कहना है, और हर भाषण में कहता हूं, अर्थव्यवस्था को किसान, मजदूर, गरीब व्यक्ति चलाते हैं, आदिवासी चलाते हैं। अगर आप पूरा का पूरा पैसा 10-15 लोगों के हवाले कर दोगे, नोटबंदी करोगे, गलत जीएसटी लागू करोगे, तो हिंदुस्तान में रोजगार पैदा हो ही नहीं सकता, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती। और मुझे काफी खुशी है कि छत्तीसगढ़ में, चाहे वो आदिवासियों की बात हो, किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, माताओं बहनों की बात हो, सबको हम एक साथ लेकर मिलकर इस प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। और फर्क दिखता है, हिंसा कम हुई, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बाकी प्रदेशों से आगे बढ़ती जा रही है, तो पता लगता है, कब पता लगता है, 2 मिनट में पता लग जाता है। और तोड़ने से कुछ नहीं बनाया जा सकता, भाई को भाई से लड़ाकर देश का फायदा नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। और ये जो महोत्सव है ये उसी सोच पर बनाया गया है, अलग 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 आदिवासी सब लोगों को यहां जगह मिलेगी, सब लोगों को नाचने का मौका मिलेगा, गाने का मौका मिलेगा, अपनी जो हिस्ट्री है
अपना जो कल्चर है उसको दिखाने का मौका मिलेगा। और अनेकता में से इसी फेस्टिवल में आपको एकता दिखाई देगी, आपको दिखेगा कि अनेकता से ही एकता बनती है। अलग अलग लोगों को, आदिवासियों को, उनके कल्चर को देखकर, समझकर, उनकी आवाज को सुनकर ही एकता बनती है। और यही हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में सब लोग मिलकर एक साथ आगे बढ़े। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया और इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राहुल गांधी जी। और अब सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को हम आमंत्रित करते हैं एक विशेष वक्तव्य के लिए। पूरे छत्तीसगढ़ में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। पूरे देश का औसत 22% है और हमारे दंतेवाड़ा जिला लगभग 60% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। मैं राहुल जी को केवल स्मरण दिलाना चाहता हूं, जब आप यूपीए की सरकार थी और मनरेगा शुरू किया तो 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे से बाहर किया गया। आज छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया होने के नाते हमारे पूरे मंत्रिमंडल के साथी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबके साथ ये संकल्प लेता हूँ कि हमारे दंतेवाड़ा जिला जो 60% से अधिक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, राष्ट्रीय औसत 22% है, इन 4 वर्षों में उसे राष्ट्रीय औसत से भी कम गरीबी रेखा के नीचे हम लाएंगे और सबको गरीबी रेखा के ऊपर लाने के हमारा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब बारी है आज के मंत्री प्रोग्राम में स्मृति चिन्ह भेंट करने की, और इसके लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी को कि वे आए और हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री राहुल गांधी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की परिकल्पना नरवा गरवा घुरवा बारी के तहत लगभग 2000 गौठान छत्तीसगढ़ में निर्मित किए गए हैं और उन्हीं गौठानों में रोजगार के जो अवसर हैं वो प्रदान किए जा रहे हैं अंचल के निवासियों को। और ये गोबर से बना हुआ माननीय श्री राहुल गांधी जी का नेम प्लेट है जो यहाँ के कलाकारों ने बनाया है और म्यूरल आर्ट है और गोबर से निर्मित दिए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि इस दीपावली में इन दियों से ही हमारा पूरा छत्तीसगढ़ जगमग हुआ है, रोशन हुआ है। और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जी को कि वे आए और राहुल गांधी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सहयोग के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ श्री आरती मंडल जी को। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन, विशिष्ट अतिथि सुश्री मीरा कुमार जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। छत्तीसगढ़ का हथकरघा कोसा सिल्क भेंट किया जा रहा है। श्रीमती रिनाल्टा लोक डेसालियन, आपको भी स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय संस्कृति मंत्री महोदय को। श्री चंदन यादव जी माननीय विशिष्ट अतिथि। श्री पी एल पुनिया जी माननीय सांसद राज्यसभा। श्री चंदन यादव जी माननीय विशिष्ट अतिथि। श्री बी के हरिप्रसाद जी माननीय सांसद राज्यसभा।
छत्तीसगढ़ का हस्तशिल्प हथकरघा, बस्तर का बेल महफिल और हथकरघा जो कोसा छत्तीसगढ़ का विश्व प्रसिद्ध है वो भेंट किया जा रहा है मंचस्थ अतिथियों को माननीय संस्कृति मंत्री महोदय के द्वारा। श्री कांतिलाल भूरिया जी माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री, माननीय श्री भक्त चरणदास जी पूर्व केंद्रीय मंत्री, श्री बीजे हरिप्रसाद जी माननीय सांसद राज्यसभा, और अब हमारे सम्मानीय अतिथियों के मानस पटल पर इस कार्यक्रम की स्मृतियां सदैव चिरस्थायी रहे इसी कामना के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करते हैं माननीय संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत को। माता की छत्तीसगढ़ महतारी की, आज राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2019 के मुख्य अतिथि माननीय राहुल गांधी जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं कि सर आपने अपने व्यस्तम समय में से छत्तीसगढ़ के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के संस्कृति प्रेमियों के लिए निकाला है, उसके लिए हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। वैसे भी हमेशा से गांधी परिवार आदिवासियों के करीब रहा है, उनके दिल के करीब रहा है, हमेशा उनको आगे बढ़ाया है, उनको संरक्षण प्रदान किया है, चाहे वो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे स्वर्गीय राजीव गांधी जी हो, श्रीमती सोनिया गांधी जी हो या आप स्वयं, हमेशा आदिवासियों के साथ खड़े रहे, उन्हें साथ दिया, उन्हें संरक्षण प्रदान किया। आज सर पूरा देश जल रहा है, चारों तरफ अशांति है, ऐसे में छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री आज इस आयोजन के माध्यम से शांति का संदेश दे रहे हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिन्होंने एक नारा दिया है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, और इसको साकार करने के लिए आपने पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को बस्तर से लेकर के सरगुजा तक, राजनांदगांव से लेकर के आपने रायगढ़ तक, रायपुर से लेकर के बिलासपुर तक, कोने कोने में जाकर के आपने इसको अपने पसीना से सींचा है सर। आपके द्वारा बनाया गया सरकार आज सभी वर्गों का ख्याल रख रहा है। जिस प्रदेश में, जिसको कृषि प्रदेश बोलते थे, धान का कटोरा बोलते थे, यहाँ लगातार किसान आत्महत्या करते थे, आज कहने में खुशी हो रहा है कि ये सरकार किसानों का ख्याल रख रही है। जो आत्महत्या जैसी बात थी वो समाप्त हो चुकी है, सरकार जिस दिन बनी उस दिन से ही किसानों का ख्याल रखना शुरू किया, उनका कर्जा माफी किया, उनके धान को 2500 रुपये क्विंटल में खरीदना शुरू किया, आज किसान यहाँ पर खुशहाल है सर। और आज मैं कह सकता हूँ कि जो अन्य राज्य आज यहाँ से, जहाँ यूएन के लोग आए हैं, देश और विदेश के लोग आए हैं, इस यहाँ से शांति का संदेश लेकर के आए हैं। कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि माननीय श्रीमती मीरा कुमार जी, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष माननीय चरणदास महंत जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा माननीय श्री पीएल पुनिया जी, माननीय वीके हरिप्रसाद जी, माननीय कांतिलाल भूरिया जी, माननीय भक्त चरणदास जी और विशिष्ट अतिथि हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथी, सभी सांसद गण आए हैं और अपने व्यस्तम समय में से आज यहाँ पर हम लोगों को दिया है। कार्यक्रम की सफलता इसी से है कि आज देश विदेश के लोग आकर के छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू है, यहाँ से एक संदेश लेकर के जाएंगे। जहाँ नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, जहाँ लोगों की आज स्वतंत्रता खतरे में है, वैसे में छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री ने इस प्रकार का आयोजन करके एक नया संदेश देने का, शांति का संदेश देने का जो कोशिश किया है, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और
आज इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए जिन लोगों ने भी साथ दिया है, यूएनओ के प्रतिनिधि आए हैं और यहाँ पर कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अधिकारी कर्मचारी और सभी ऑडियंस कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता सभी साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और अब यहाँ पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की शुरुआत होगी। चुनिंदा देश और प्रदेश के कलाकार प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम। हम सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करते हैं, कृपया मंच के सामने पधार कर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद उठाएं, हमारे कलाकारों का उत्साहवर्धन करें। और आप सभी से निवेदन कि सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आगे भी जारी रहेंगी, आप सभी अपने अपने स्थान पर ही बैठे रहें। कार्यक्रम अभी तो शुरू हुआ है, आज रात तक लगातार चलेगा, कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा। आप सभी से निवेदन सम्मानीय अतिथियों के साथ कार्यक्रमों का आनंद उठाएं। सबसे पहले इस मंच पर बेलारूस के दल की प्रस्तुति होगी, तत्पश्चात अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के कलाकार इसी मंच के सामने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देंगे। और एक निवेदन और है आप सभी से, हम आपको बता दें कल यहाँ पर जो कार्यक्रम आज अन्य प्रस्तुत किए जाएंगे उनके बारे में हम आपको बता दें, अब से थोड़ी देर बाद विवाह और अन्य संस्कार के पारंपरिक त्योहार और अनुष्ठान, फसल कटाई, कृषि, अन्य पारंपरिक विधाओं पर नृत्य प्रतियोगिता होगी, बागरूंगा नृत्य असम प्रस्तुत करेंगे, कोया नृत्य तेलंगाना के कलाकार प्रस्तुत करेंगे, छाक नृत्य झारखंड के कलाकार प्रस्तुत करेंगे, सिंगारी नृत्य उड़ीसा के कलाकार प्रस्तुत करेंगे, सिद्धि नृत्य गुजरात के कलाकार प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद मध्याह्न भोजन विराम होगा, तत्पश्चात विवाह और अन्य संस्कार, पारंपरिक त्योहार, अनुष्ठान, फसल कटाई, कृषि पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनमें राजस्थान के कलाकार प्रस्तुत करेंगे सहरिया नृत्य सहरिया स्वांग, जम्मू के कलाकार प्रस्तुत करेंगे गुजर नृत्य, हिमाचल प्रदेश के कलाकार प्रस्तुत करेंगे खुरई नृत्य, लद्दाख के कलाकार लद्दाखी नृत्य प्रस्तुत करेंगे, मध्य प्रदेश के कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे, उत्तराखंड के कलाकार झाजी नृत्य प्रस्तुत करेंगे, केरल के कलाकार तय्यम नृत्य प्रस्तुत करेंगे, महाराष्ट्र के कलाकार तड़का नृत्य प्रस्तुत करेंगे, तेलंगाना के कलाकार कुसाड़ी नृत्य प्रस्तुत करेंगे, सिक्किम के कलाकारों की प्रस्तुति के बाद मध्य प्रदेश के कलाकार भगोरिया नृत्य प्रस्तुत करेंगे, अरुणाचल प्रदेश के कलाकार रेह नृत्य प्रस्तुत करेंगे, आंध्र प्रदेश के कलाकार लंबाड़ी नृत्य प्रस्तुत करेंगे, कर्नाटक की भी प्रस्तुति होगी, उत्तर प्रदेश के कलाकार गरज नृत्य प्रस्तुत करेंगे। गैर प्रतियोगी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी यहां होंगी रात को 8 से 9 बजे तक, इनमें आप विदेश से आमंत्रित कलाकारों की प्रस्तुतियों का आनंद ले पाएंगे। थाईलैंड, बांग्लादेश, बेलारूस, मालदीव, युगांडा से आमंत्रित कलाकार यहां आज प्रस्तुतियां देंगे। कल जिन कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी उनके बारे में हम आपको बता दें, कल यानी 28 दिसंबर शनिवार को इस भव्य प्रांगण में और इस विशाल मंच में जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी उसकी जानकारी हम आपको दे दें। 9 बजे से 12:30 बजे के बीच में आप देख पाएंगे विवाह एवं अन्य संस्कार, पारंपरिक त्योहार एवं अनुष्ठान, फसल कटाई एवं कृषि, अन्य पारंपरिक विधाओं पर नृत्य प्रतियोगिता, कसावा नृत्य गुजरात का, हिंसा नृत्य आंध्र प्रदेश से, ममिता नृत्य त्रिपुरा से, पायका नृत्य झारखंड का, टोडा नृत्य तमिलनाडु का, आदि नृत्य अरुणाचल प्रदेश, गबरी नृत्य राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, दुल्की नृत्य कोंडागांव छत्तीसगढ़।
1250 से 41 के मध्य गैर प्रतियोगी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी, जिनमें श्रीलंका, थाईलैंड और मालदीव देशों से आमंत्रित कलाकारों की नृत्य प्रस्तुतियां होंगी। मध्याह्न भोजन के उपरांत सीधी तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे थे, बहरा रोक रहे हैं ब्रेक के लिए। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास। इतनी बारिश और घर में शादी, कैसे होगा? अरे जब भगवान ने रिश्ता लगाया है तो वही सब कुछ करेगा भी। ये कार्ड देखो, राजू बहुत अच्छे अच्छे कार्ड लेकर के आया है। और ये तो उससे भी अच्छा है। ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों, कैसा है ये? ये सबसे अच्छा है। तो उसको दिखा दे। हाँ दिखा दे चिंटू, दिखा। क्या चिंटू, पूछ क्या उसे पसंद है या नहीं, जल्दी जा। दीदी दीदी, वो ताया जी। हट। ओए होए, ताया जी ने तो कार्ड अच्छा पसंद किया है। और वो कैसे हैं? ताया जी कार्ड पसंद है। एहसास ही नहीं हुआ कि कब हमारी बिन्नी इतनी बड़ी हो गई। हाँ, हमें भले ही एहसास ना हुआ हो, लेकिन हमारी कमलनाथ सरकार को जरूर एहसास हुआ है। सच कहती हूँ। कमलनाथ सरकार ने कन्या विवाह योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 51,000 किया। उम्मीदें रंग लाई, तरक्की मुस्कुराई। सभी प्रकार की कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, रक्त रोग, ब्लड कैंसर व पेट स्कैन के लिए संपर्क करें संजीवनी CBCC USA कैंसर हॉस्पिटल रायपुर। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास। स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की धरा पर एक ऐसे ऐतिहासिक महोत्सव में, जिसमें होगी विरासत पूरे भारतवर्ष की, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल। आइए और बनी साक्षी 2,500 से भी अधिक लोक कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों के। छत्तीसगढ़ बनेगा गढ़, कला और संस्कृति के अनूठे संगम का, जहां सम्मिलित होंगे पूरे भारतवर्ष के लाखों कला प्रेमी। देखेंगे आप पूरी दुनिया से कुछ ऐसे अद्भुत और अस्मरणीय पल, और जानेंगे अनछुई आदिवासी कला संस्कृति को और भी करीब से। रायपुर बनेगा झांकी पूरे भारतीय आदिवासी परंपराओं की। तो आप भी बन जाइए इस सबसे बड़े ऐतिहासिक महोत्सव के गवाह और गढ़िए हमारे संग एक नवा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वेलकम्स यू एट नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 27 से 29 दिसंबर रायपुर में। आशीर्वाद के रूप में इससे सुंदर और प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहूंगी कि आपकी हर पीढ़ी विश्वास कर सकती है इन पर। अनुपचंद तिलोकचंद ज्वेलर्स, AT, अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट। युवा तो बढ़ चला गूंजे धरती आसमान, गरज गरज के बढ़ रहे हैं आंधियों से लड़ रहे हैं, गरज गरज के बढ़ रहे हैं आंधियों से लड़ रहे हैं, जोश के हुंकार लिए नवा राज अब गढ़ रहे हैं। हो जोश के हुंकार लिए नवा राज अब गढ़ रहे हैं, सामाजिक सद्भाव के नित रास्तों पर चल रहे हैं, वीरों के बलिदान की एक दास्ता ये कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नौजवान धर ले
को हम नई तकदीरों से गढ़ रहे हैं, आने वाले कल को हम नई तकदीरों से गढ़ रहे हैं। जोश के हुंकार लिए नवा राज्य अब गढ़ रहे हैं। जवां भरोसा गढ़ चला, युवा राज्य बढ़ चला। जवां भरोसा गढ़ चला, युवा राज्य बढ़ चला। युवा जोश और हुनर की झनकार, छत्तीसगढ़ युवा उत्सव 15 अक्टूबर 2019 से 14 जनवरी 2020 तक, जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति। वेरी गुड। ये कौन सी इतनी बड़ी बड़ी किताबें खरीद लाए हो बंटी के लिए? बंटी के लिए नहीं माँ, बंटी की माँ के लिए। पर बेटा इस उम्र में? हाँ माँ, सरकार ने राज्य शासन की सेवाओं में नियुक्ति के लिए आयु सीमा बढ़ा दी है। अब मैं पढ़ूंगी भी और MPPSC की परीक्षा भी पास करूंगी। अरे वाह। रंग लाए, तरक्की मुस्कुराई, बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है स्वास्थ्य। प्रदेशवासियों की सेहत का ख्याल रखते हुए उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना मध्य प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के रोग मुक्त मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प के लिए अब प्रदेश सरकार ने जहां गहन चिकित्सा के लिए 11 जिलों में ऑब्स्टेट्रिक ICU की स्थापना की है, वहीं सरकारी अस्पतालों का रिनोवेशन करते हुए उनमें डायलिसिस मशीनों जैसे आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता एवं पैथोलॉजी रिपोर्ट तुरंत प्रदान कराने की व्यवस्था भी की है। चिकित्सकों की संख्या और मानदेय में वृद्धि करते हुए स्वास्थ्य केंद्रों पर उनकी रोजाना 4 बजे तक अनिवार्य उपलब्धता भी सुनिश्चित की है। संजीवनी 108 एम्बुलेंस सेवा द्वारा लगभग 4 लाख जरूरतमंद लाभान्वित। जननी एक्सप्रेस सेवा द्वारा लगभग 3 लाख गर्भवती महिलाओं व 40,000 बीमार शिशुओं को समय पर उपचार मिला। प्रदेशवासियों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे ये सभी अभिनव प्रयास रोग मुक्त मध्य प्रदेश के निर्माण के संकल्प को साकार करते हुए अनवरत जारी हैं। उम्मीदें रंग लाई, तरक्की मुस्कुराई, आशीर्वाद के रूप में इससे सुंदर और प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहूंगी कि आपकी हर पीढ़ी विश्वास कर सकती है इन पर। अनुपचंद तिलोकचंद ज्वेलर्स, AT, अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट। महर्षि उपदेशामृत प्रवाह, देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। काली और भयावह रात क्या होती है ये कोई भोपाल से? तात्कालिक तौर पर ये कहना मुश्किल है कि अभी कार्रवाई होगी कि नहीं। क्या कुलदीप सेंगर को इनकाउंटर करके मार डाला जाना था? मैं संकल्प लेकर आया हूँ कि इस पे राजनीति नहीं। आप पहले लेकर के आ जाइए, फिर मैं किसी से बात कर दूंगा। नमस्ते। हाँ नमस्ते। 35 सालों में 15 साल में बंद कर देते उनको अगर तुम्हें इतनी दम। हम कब तक सिस्टम को ही कोसते रहेंगे? आपकी सरकार है, आप मांग करेंगे। इसमें धोखा फरेब और ड्रामा नहीं है। उनको न्याय मिलेगा ये मुझे उम्मीद है, और न्याय मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी। Thank you.
आपका ड्राइवर टांग मेंटो स्टैनमो ये लद्दाख के नुब्रा घाटी और कारगिल के वाखा मुलबोक जिले में निवास करने वाले लोगों का एक प्रमुख नृत्य है। ये नृत्य फ्लावर डांस के नाम से जाना जाता है। इस नृत्य और इसमें गाए जाने वाले गीतों को पूरे लद्दाख में अच्छी लोकप्रियता प्राप्त है। वसंत ऋतु में पहला फूल चुनकर देवताओं को अर्पित किया जाता है और दूसरा अपने प्रेमी प्रियतमा को। इस नृत्य में युवक युवतियां अपने पारंपरिक सुंदर वेशभूषा में आकर्षक मुद्राएं बनाते हुए लद्दाख के पारंपरिक वाद्य यंत्र दामन और सुरना की धुन के साथ किए जाने वाले मोहक नृत्य की प्रस्तुति देंगे।
बाद अब मंच पर आपके सामने प्रस्तुति देने के लिए आ रहे हैं कर्नाटक राज्य के कलाकार। नृत्य है सुगाली। सुगाली जनजाति कर्नाटक में निवास करने वाली अर्ध यायावर घुमंतू जन समुदाय रहा है, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही विदेशों में भी यायावरी जीवन यापन करते आ रहा है। ये समुदाय भिन्न राज्यों के सुगली, आमना, बंजारा आदि नामों से जाना जाता है। अब ये स्थायी जीवन यापन करते हैं और लगभग उन कार्यों को किया करते हैं जो उनके निवास क्षेत्र के अन्य जन समुदायों द्वारा किया जाता है। सुगाली जनजाति की भाषा आर्य भाषा परियार की सदस्य है और उनके वस्त्र और परिधान राजस्थानी वस्त्रों से साम्यता दर्शाते हैं। सुगाली नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो बहुरंगी परिधान और गहनों से सजी रहती है, जिनमें साड़ी और ऊपरी वस्त्र में आकर्षक कढ़ाई, एप्लिक कार्य, कांच, फोट आदि से खूबसूरत सज्जा की रहती है। ये बड़ी संख्या में हाथ में चूड़ियां और कड़े भी पहनती है, जिनको देखने से आभास होता है मानो वे हाथी दांत से बने हों। सुगाली नृत्य मुख्यतः कृषि से संबंधित नृत्य है, जिसे अच्छी फसल के प्राप्ति की प्रसन्नता और देवताओं और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किया जाता है। नृत्य के दौरान संगत वाद्य के रूप में ढोल का प्रयोग होता है, जिसे पुरुषों द्वारा बजाया जाता है। जब नृत्य तीव्र गति को प्राप्त करता है, तब ढोल बजाने वाले पुरुष भी महिलाओं के साथ नृत्य करने लगते हैं। तो लीजिए आप ये समझ प्रस्तुत है कर्नाटक का सुगली नृत्य। Thank you.
कर्नाटक राज्य की इस प्रस्तुति के बाद अब आपके सामने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के कलाकार दंडामी माड़िया नृत्य, दंडामी माड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ बस्तर के दंतेवाड़ा बीजापुर और सुकमा जिले में निवास करती है। दंडामी माड़िया नृत्य को गौर माड़िया नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। दंडामी माड़िया जनजाति के लोग वर्षा काल की अच्छी फसल और खुशहाली की कामना के लिए नृत्य करते हैं। इस नृत्य में युवक अपने सिर पर गौर नामक पशु के सिंग से बना मुकुट कोकोटा पहनते हैं जो कौड़ियों और कलगी से सजा रहता है। युवकों के साथ नृत्य करने वाली युवतियां सिर पर पीतल का मुकुट टीके पहनती हैं और हाथ में लोहे की सरिया से बनी एक छड़ी गुजरी बड़की रखती है जिसके ऊपर घुंघरू लगे रहते हैं जिसे जमीन पर पटकते हुए आकर्षक ध्वनि उत्पन्न करती है। युवकों द्वारा बजाए जाने वाले ढोल के साथ तालमेल के फलस्वरूप कर्णप्रिय संगीत उत्पन्न होता है जिसके साथ युवक और युवतियां विभिन्न प्रकार के मंडल का निर्माण करते हुए सुंदर नृत्य रचना प्रस्तुत करते हैं। तो प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ का दंडामी माड़िया नृत्य। Thank you.
माननीय श्री राहुल गांधी जी हमारे कलाकारों के साथ ताल से ताल मिलाते थे। धारण करके मानव की थाप के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी साल से साल कदम से कदम मिला रहे हैं और साथ में है आबकारी मंत्री माननीय श्री कवासी लखमा जी